अगेन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में से वीडियो कट चुका था, हमने फिर से कनेक्ट किया है इसको। आई थिंक अभी सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर। जो लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। वापस से सभी लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। मीत, तुषार, जिग्नेश, वेरी गुड। फेसबुक भी वापस आ गए सभी लोग, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। अभी सब लोग फेसबुक पे भी आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग लाइव हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं कि अभी हमने जो ये लिया था, यानी कि हमने जो कल का सेशन लिया था वो हम कैसे करेंगे, और कल की हमारी जो चैलेंजेस है जो मैंने आपको अभी रिपीट कर चुके हैं, और आज की चैलेंज के बारे में हम बात करते हैं, आज का सीखने के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कल की हमारी जो चैलेंज थी कि आपको डे टू डे का प्लान बनाना है, अर्ली मॉर्निंग में उठना है, और उसके पीछे का रीज़न जो हमें क्यों ऐसा करना है वो मैंने कल आपको सिखाया था और आपको बताया था। बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मुझे स्टेटस में भी दिखाई दिया है, और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया है, थैंक यू वेरी मच। और इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी रखा है, अगर कोई कल नहीं आया था और सीधा आज ही आए हैं तो अपना ये वीडियो डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के बारे में बात करते हैं, आज की हमारी नई चैलेंज क्या है। दोस्तों आज की हमारी जो चैलेंज है वो ये है कि आपको ये 8 दिन, हमारे 9 दिन थे, आज हमारा दूसरा दिन है, तो ये जो 8 दिन है, इस 8 दिन में आपको मिनिमम कोई भी 2 बुक को रीड करना है। नहीं, आप इतने खुश मत हो जाइए, कई लोग बोलेंगे सर इतना कॉमन चैलेंज है, हमारे घर में मम्मी पापा आजू बाजू वाले हंसा आंटी सभी लोग यही बोलते हैं कि भैया अभी फ्री बैठे हो तो किताबें पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में हम 18 साल से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, और अभी तक मैं 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो हमारी ट्रेनिंग की जो स्पेशलिटी है, हमारी USP है, वो यही है कि हम दोस्तों ट्रेनिंग में वही सिखाते हैं जो 100% प्रैक्टिकल हो। जब मैं पढ़ाई करता था तब मुझे भी कई लोग बोलते थे बच्चे अपने पढ़ाई में ध्यान दो और इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता था तब इंटरेस्ट आया नहीं। और ये इंटरेस्ट ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोलूं और अभी आपको 1 सेकंड में आ जाए। दैट्स व्हाई ये 100% प्रैक्टिकल नहीं है, 99% प्रैक्टिकल हो सकता है। तो दोस्तों अभी इस चैलेंज को ध्यान से समझिएगा, इसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ही आपको कल एक रूल दिया कि आपका ब्रेन जहाँ पे गेन देखता है वहाँ पे वो अट्रैक्ट होता है और वो काम करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो पेन देखता है वहाँ से वो दूर भागने की कोशिश करता है। तो एक्चुअल में हमें पढ़ने से दूर क्यों भाग रहे हैं, हमें किताबें पढ़ना अच्छा क्यों नहीं लग रहा, उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन वो किताबों में पेन देख रहा है। आज तक हमें गेन किसी ने बताया नहीं, हमें सिर्फ कमांड दिया गया है कि बच्चों या यंगस्टर्स या सभी लोग अपने जीवन में किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें हमारे अच्छे मित्र होती हैं, ये हमें बस इंस्ट्रक्शन दी गई है, हमें उसके पीछे का रीज़न नहीं बताया। दैट्स वाई हमारे ब्रेन को कभी वहाँ पर गेन नहीं मिला। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप पहले मुझे ये बताइए इतने दिन जो लॉकडाउन के गए, इतने दिनों में आप में से किसी लोगों ने ये किताबों को पढ़ा है? अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो कौन सी पढ़ी है, उसका नाम भी ज़रा मेंशन कीजिएगा। आप मुझे कमेंट बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कौन सी पढ़ रहे हैं आप, ज़रा मुझे बताइएगा। जिग्नेश जी, किसी ने कोई किताब पढ़ी है?
इतने दिनों के दौरान अगर किसी ने किताब पढ़ने की कोशिश की है वो ज़रा मुझे अभी यहाँ पे कमेंट पे बताइएगा। यस, देव ने कहा है कॉमिक बुक को पढ़ने की कोशिश की है। ओके, चलो अच्छी बात है कि आप कॉमिक बुक पढ़ पाएँ। और किसी ने कोई किताब पढ़ने की कोशिश भी की है? एनीबडी? ओके, भारत का इतिहास, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। ओके, महाभारत, महाभारत आपने देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा? यस, मैंने पढ़ी है। ओके, रामायण, भागवत। अच्छा, आजकल के यंगस्टर्स अभी बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वेरी गुड। ओके, गाना गाने का शौक़ है, यूट्यूब चैनल चालू करनी है, वेरी गुड, कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, किसी ने और कोई किताब पढ़ी है? ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इतने दिनों में अगर आपने कोई किताब पढ़ने का कोशिश किया है, लेकिन शायद ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे कि वो किताब पढ़ने का मन नहीं हो रहा या ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाए, उसके पीछे के रीज़न ये है कि आपका ब्रेन उसमें गेन नहीं देख रहा। दोस्तों, मैं आज आप यहाँ पे हमारी चैलेंज में आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं उसके बारे में समझाने की सिखाने की कोशिश करना चाहूँगा। डॉक्टर बिंदिया बता रही है उन्होंने अपनी किताब पढ़ी है, पढ़ाई की, पीरियोडोंटोलॉजी, वेरी गुड। ओके दोस्तों, हमारा चैलेंज ये है कि आपको ये 8 दिनों में मिनिमम 100 पेज हो ऐसी किताबें आपको मिनिमम 2 पढ़नी है। 100 पेज इतना क्लियर इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि कई यंगस्टर्स क्या करते हैं, 10-10 पेज वाली छोटी सी बुकलेट लाते हैं और 2 किताबें पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं कि सर मैंने तो 2 किताबें पढ़ ली। तो ऐसा नहीं करना है, जिसके मिनिमम 100 पेज हो इसकी दो किताबें आपको ये 8 दिन के दौरान आपको पढ़नी है। उसमें से एक किताब आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो आपकी फेवरेट हो, कोई भी ले सकते हैं, और दूसरी किताब कंपलसरी ऐसी कैटेगरी या ऐसे सब्जेक्ट की चॉइस करनी है कि जो कैटेगरी या जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, यानी कि जो आपको पसंद है ऐसी एक किताब और जो आपको पसंद नहीं है ऐसी एक किताब। ऐसा क्यों? उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो कल के वीडियो में, कल के लाइव में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दैट्स वाई अगेन बता दूं, आपको एक ऐसी किताब जो आपको पसंद है और एक ऐसी किताब जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी आपको सेलेक्ट करनी है जिसके मिनिमम 100 पेज हो, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, हमारी चैलेंज का इम्पोर्टेंट हिस्सा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको हर रोज़ मिनिमम 5 मिनट किताब को उल्टा करके पढ़ना है। आप सरप्राइज हो गए होंगे, सर किताब को उल्टा करेंगे कैसे पढ़ पाएंगे? वाओ दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर किताब को उल्टा कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा यहाँ पे आप लोगों को चैलेंज है, मेरा गारंटी है, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। कोई फर्क नहीं होगा, नथिंग, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे आप सीधी किताब करके नॉर्मली जो स्पीड में जिस प्रकार से पढ़ते हो उसी प्रकार कर से उल्टी किताब में भी 100% पढ़ पाओगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फायदा, बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका कंसंट्रेशन पावर ये 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 टाइम इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है, जब आपका ब्रेन नॉर्मल काम करता है, जिसकी आपको आदतें हैं, उसमें वो ध्यान देना छोड़ देता है। जब वो एबनॉर्मल या डिफरेंट काम करता है, जिसकी आदत आपको नहीं है, उसमें वो 100% फोकस करता है। देखो, सीधी किताब तो हर रोज़ हम इतने सालों से पढ़ ही रहे हैं, तो वो आपके ब्रेन की आदतें हो चुकी है, दैट्स वाई उसमें आपका ब्रेन इतना ध्यान नहीं देता। जब आप किताब को उल्टी करेंगे तो आपका ब्रेन उसमें 100% फोकस करेगा, स्पीड आपका वही मेंटेन रहेगा, सब कुछ वही मेंटेन रहेगा। लेकिन ऐसा आपको 5 से 10 मिनट करना है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल ये पीक लेवल का आ जाएगा और बाकी के टाइम में आप रेगुलर से किताब पढ़ेंगे उसमें आपको और एन्जॉयमेंट मिलेगा।
तो ये अपना टास्क है, ये अपना चैलेंज है। आपको उल्टी किताब 5 से 10 मिनट पढ़ना है, 8 दिनों में हर रोज़ पढ़ के ये किताब को, मिनिमम 2 किताब जिसके 100 पेज हैं वो आपको हर रोज़ पढ़ना है। ये आपका चैलेंज है, ये आपका टास्क है। तो आपको इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, आपको जब जो भी 2 किताब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका टाइटल का फ़ोटो लेकर के, उसका सेल्फी लेकर के आप अपने स्टेटस पे रखिएगा और हमें टैग कीजिएगा या हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपना चैलेंज मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं याद करवाना चाहूँगा बीच में से, आप अभी भी वॉच पार्टी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इस लाइव प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। जो लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं उसको आप वॉच पार्टी के ज़रिए इसमें मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और दोस्तों आज का दूसरा सीक्रेट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किताबें हम क्यों पढ़ें, वाई, इसके पीछे के रीज़न मैं आज आपको यहाँ पे 11 रीज़न समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों किताबें पढ़ने के साथ में हमें सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आप किताब पढ़ते हैं तो हमारा नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन एंड कनेक्शन। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन उसमें से कुछ वर्ड्स को अपने ब्रेन में पास्ट के और दूसरे डेटा के साथ कनेक्शंस क्रिएट करता है, और वही कनेक्शंस के कारण आपकी वोकेबुलरी अब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है, नए वर्ड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, नए वर्ड्स नेचुरल ही याद हो जाते हैं और आपकी वोकेबुलरी का पावर इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी वोकेबुलरी ये इम्प्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों ये सारी बेनिफिट के ऊपर ये वीडियो, ये लाइव सेशन पूरा होने के बाद हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करेंगे, वो पोस्ट आप संभाल के रखिएगा, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा ताकि ये अवेयरनेस सभी लोगों के पास आए कि किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहला रीज़न है वोकेबुलरी इम्प्रूव करने के लिए। क्यों होती है, उसका रीज़न ये है कि नेचुरल प्रोसेस जो है हमारी लैंग्वेज लर्निंग का, दोस्तों मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, स्पीकिंग इंग्लिश, आपका इंग्लिश को स्पीक करने का मैं तरीका सिखाता हूँ, और वो तरीका इतना बेहतरीन है जो 18 सालों में अमेजिंग मुझे रिजल्ट मिले हैं। कई लोग बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश के कोचिंग में जाकर पे भी इंग्लिश बोल नहीं पाए, लेकिन हमारे वर्कशॉप में आकर के, हमारे ये तरीका अपना करके वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे मेरे वर्कशॉप के पार्टिसिपेट को जानता हूँ जिन्होंने मेरी इसी थियोरी के ऊपर उन्होंने अपने स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस शुरू किए हैं। हाँ जी, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस हर एक सिटी में शुरू किए हैं, जिनके 1000 से भी ज़्यादा इनरोलमेंट आज हो रहे हैं सिर्फ मेरी इस थियोरी के साथ। जो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है उसका सबसे पहला बेस यहीं से शुरू होता है, वो है आपका रीडिंग। तो किताब आप रीड करेंगे, सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपकी वोकेबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों दूसरा बेनिफिट है कि आपकी ब्रेन की ये एक्सरसाइज है। जब आप बुक रीड करते हैं ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा फूड है, जैसे हमारे बॉडी को रीएनर्जाइज करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको दिन में 2 बार फूड देना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में जब आप रीडिंग करते हैं वो आपके ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, आपके ब्रेन का सबसे बेस्ट फूड है, और आपका ब्रेन जिम भी कहलाया जाता है। दैट्स व्हाई किताबें पढ़ने से आपका ब्रेन रिचार्ज होता है, रीएनर्जाइज होता है, दैट्स व्हाई किताबें पढ़नी चाहिए। तीसरा बेनिफिट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं सरप्राइज होंगे आप, इस वर्ल्ड के नंबर 1 सेलिब्रिटी को पर्सनली मिलने का मौका मिलता है। आप यूं समझ लीजिए कि एक इस दुनिया की नंबर 1 सेलिब्रिटी दूसरी सेलिब्रिटी को मिलने पर्सनली एकांतवास में जा रही है, जिसके साथ वो टाइम बितानी है, और वो सेलिब्रिटी की कुछ बातें पर्सनल आप वहाँ पे अब्सॉर्ब करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उसमें से कुछ सीखेंगे, और आपका ब्रेन खुद के साथ में उसको कनेक्ट करेगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं जो किसी और सेलिब्रिटी को पर्सनली मिलने जा रहे हैं। वैसे आपको स्वामी विवेकानंद जी को पर्सनली मिलना हो, भगत सिंह को पर्सनली मिलना हो,
मार्क जुकरबर्ग से पर्सनली मिलना हो, या अब्दुल कलाम से मिलना हो, लता मंगेशकर को मिलना हो, अक्षय कुमार को मिलना हो, अमिताभ बच्चन को मिलना हो, सचिन तेंदुलकर को मिलना हो, विराट कोहली को मिलना हो, या किसी भी इस दुनिया के महान व्यक्ति को मिलना हो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी बायोग्राफी या उनकी किताबें पढ़ के आप यूँ समझ लीजिए कि एक सेलिब्रिटी दूसरी सेलिब्रिटी को पर्सनली मिल रहे हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस आपका दिमाग कनेक्ट करके वो अब्जॉर्ब कर रहा है और अपने दिमाग में बिठा रहा है। यानी कि आपको इस दुनिया की सबसे महान सेलिब्रिटी जो आप खुद हैं उसको मिलने का, और ये सेलिब्रिटी दूसरी सेलिब्रिटी को मिलेगी उसको मिलने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि आप अपने आप को यानी सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, आपकी इनर सेल्फ इम्प्रूव हो, इसलिए आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए। और दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आपके ब्रेन का पास्ट का जो डेटा है वो पास्ट के डेटा में ऐसी किताबों का डेटा जो इस दुनिया की महान सेलिब्रिटीज़ हैं उसका डेटा भरा पड़ा होगा, तो वो लाइफ के प्रॉब्लम में उस वक्त आपको ये सोच जरूर आएगी कि ये छोटे से प्रॉब्लम में अगर मार्क जुकरबर्ग को आई होती तो इसको कैसे सोल्व करता, धीरूभाई अंबानी को इस प्रकार की प्रॉब्लम बिजनेस में आई होती तो वो कैसे सोचते और क्या करते, या फिर शहीद भगत सिंह को ऐसी प्रॉब्लम आई होती वो तो क्या करते। ये डायमेंशन, ये थिंकिंग प्रोसेस आप में डेवलप होगा और वो प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। दैट्स व्हाई आपको बुक रीड करनी चाहिए। दूसरा फायदा है दोस्तों, किताबें पढ़ने से आपकी एक्यू बढ़ती है। एक्यू का मतलब है एडवर्सिटी कोशेंट। हम करियर काउंसलिंग करते हैं, पर्सनालिटी काउंसलिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं, तब इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। दोस्तों अभी तक में हमने करीबन 5000 से भी ज़्यादा लोगों का पर्सनली काउंसलिंग किया है, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों मेरे इस 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको लोगों को ये बता दूं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति का एडवर्सिटी क्वोशेंट हाईएस्ट है उसका बड़ा मूल्य है। इस दुनिया की चाहे वर्ल्ड की कोई भी एमएनसी हो, इस दुनिया की नंबर वन कंपनी है, वो अपने नंबर वन एम्प्लॉय यानी टॉप लेवल के एम्प्लॉय से लेकर नीचे तक के सभी प्रकार के एम्प्लॉय का एडवर्सिटी कोशेंट पावरफुल हो ऐसी अपेक्षा रखती है। अब ये एडवर्सिटी कोशेंट क्या है? एडवर्सिटी कोशेंट का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में आप अपना परफॉर्मेंस कैसा करते हैं उसको बोला जाता है एडवर्सिटी कोशेंट। तो दोस्तों किताबें पढ़ने पर हमारा एडवर्सिटी क्वोशेंट वो इम्प्रूव होता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइव में हैं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मैसेज पे मुझे कमेंट कीजिए कि ये एडवर्सिटी क्वोशेंट के बारे में आप जानते थे, यस और नो। अगर आप एडवर्सिटी क्वोशेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में और भी इसका ब्रीफ करूँगा, आज भी थोड़ा मैं ब्रीफ करूँगा। यस बता सकते हैं या नो बता सकते हैं, मुझे कमेंट कीजिए। अभी आप सब लोग जो लोग लाइव हैं, जो लोग वॉच पार्टी कर रहे हैं, ओके वेरी गुड। कितने लोग यहाँ पे लाइव हैं? यस, आपने कभी ये एक्यू के बारे में जाना हुआ है? कितने लोग जानते हैं एक्यू के बारे में? ओके, बहुत सारे लोगों का नो आया हुआ है, नहीं जानते हैं। ओके ओके नो, जयदीप बता रहे हैं नो, निशी मुत्ता बता रहे हैं नो, ओके गुड। और कोई जानते हैं एक्यू के बारे में? एक्यू का मतलब एडवर्सिटी क्वोशेंट। कृष्णा बता रहे हैं किताब पढ़ने से एडवर्सिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स नहीं, क्वोशेंट। कॉम्प्लेक्स नहीं बढ़ता, कॉम्प्लेक्स दूर होते हैं भाई साहब। कृष्णा जी, किताबें पढ़ने से कॉम्प्लेक्स दूर होते हैं, कॉम्प्लेक्स बढ़ते नहीं है। एक्यू का नहीं पता था, ओके। और कोई लोग जानते हैं एक्यू? ओके गुड, ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक्यू के बारे में समझा रहा हूँ। थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आपको किताबें पढ़ने से एक्यू बढ़ता है उसका एक मैं एग्जांपल मेरे खुद का देना चाहूँगा, मेरे ही लाइफ का। एक्यू का मतलब है, फिर से बता दूँ, एक्यू का मतलब है एडवर्सिटी कोशेंट, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में
आपकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, आपका बिहेवियर क्या होगा, और आप स्ट्रेस में आ जाएंगे या परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे या क्या करेंगे, इसका बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशेंट, जो DMIT रिपोर्ट करके या आपका पर्सनालिटी का टेस्ट करके या काउंसलिंग करके जाना जा सकता है कि आपका एडवर्सिटी क्वोशेंट क्या है। और इस पूरे वर्ल्ड में ये 21वीं सदी में AQ का ही इम्पोर्टेंट है। आज हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय में AQ पावरफुल होना चाहिए चाहती है, क्यों? क्योंकि टारगेट, टॉर्चरिंग और प्रेशर तभी आदमी पूरा कर सकता है जब उसका AQ पावरफुल हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपका AQ पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में छोटी बहुत मुश्किलियाँ आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अगर आप वहाँ पे फ्लस्ट्रेट हो गए या स्ट्रेस में आ गए तो वहाँ पे आपके डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे। तो आपका AQ पावर अच्छा है तो आप वो डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। दोस्तों, फैमिली के लिए, फैमिली रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी हमारे AQ पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज फैमिली में भी बार बार छोटे बड़े इश्यूज आते रहते हैं। उसको टैकल करने का आपका मेंटालिटी, आपका पर्सनालिटी और आपकी थॉट प्रोसेस ये AQ लेवल से तय होती है। तो इस AQ के ऊपर एक और डिटेल में हम सेशन करेंगे लाइव में ही, आप सभी लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी सिर्फ हम इतना रखते हैं। उसके साथ में मेरे लाइफ का एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि किताबें पढ़ने से AQ लेवल कैसे इम्प्रूव होता है। दोस्तों, मैंने 2002 में ये सेमिनार करना शुरू किया। मैंने उस टाइम में सेमिनार करना शुरू किया था जब लोग सेमिनार की परिभाषा नहीं जानते थे, इंटरनेट का इतना अस्तित्व नहीं था, गूगल का अस्तित्व नहीं था, और उस टाइम से हमने ये सेमिनार करना शुरू किया। जब मेरी एज 16 साल की थी, जस्ट मैंने 12th का एग्ज़ाम पास आउट किया था, तब मैंने ये प्रोग्राम करना शुरू किया था। दोस्तों, ये 16 साल की एज से ये सेमिनार शुरू किया, तब से लेकर के लगातार हमने जय कर्व से प्रोग्रेस किया, लगातार आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। 2010 में एक दुर्घटना ऐसी हुई जिसमें हमने लाखों रुपये का नुकसान किया, और वो लाखों रुपये के नुकसान के बाद अगर फाइनेंशियली इतना स्ट्रेस बढ़ चुका था कि कोई भी आदमी वो स्ट्रेस लेवल में फ्लाइट मोड में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत एक किताब पढ़ी रखी थी, और मैं ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तियों के संपर्क में भी रहता था लाइव, जो मुझसे बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, मेरे गुरुजन थे, उनके संपर्क में भी रहता था। तो उस टाइम पे मेरे जीवन में दो चीज़ें काम में आई, एक मेरे फ्रेंड्स की पॉजिटिव एडवाइस, मेरे गुरुजनों की एडवाइस, और मेरे कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी थी अपने जीवन में। तो वहाँ पे मैंने धीरूभाई अंबानी के बारे में एक इंसिडेंट पढ़ा हुआ था एक किताब में। बात बड़ी है, थोड़ी शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। धीरूभाई अंबानी के जीवन में एक ऐसे ही समय आया था कि उसको विमल कंपनी जो है उनकी, जो कपड़े बनाती थी, उसको शटडाउन करने की बारी आई थी, उसको बेचने की बारी आई थी। ऑल ऑफ सडन उन्होंने बेचना तय कर दिया था, पार्टी के साथ डील होने वाली थी। बात बहुत बड़ी है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूँगा। आप धीरूभाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के साथ उसका नॉलेज ले सकते हैं डिटेल में। तो एक दिन एक जापान की कंपनी, वहाँ पे वो कंपनी को बाय करने आती है। धीरूभाई अंबानी अपने घर पे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और मॉर्निंग वॉक में सडनली उनके मन में ख्याल आता है कि अभी मैं आज ये कंपनी बेच दूंगा तो मेरे पास साइकिल लेने की भी औकात नहीं रहेगी, और मैं कंपनी का मालिक नहीं रहूँगा, भिखारी बन जाऊँगा। दैट्स वाई उन्होंने तय किया कि मुझे कंपनी बेचनी नहीं है। और आज वो कंपनी बेचने के लिए, जो लेने के लिए, परचेस करने के लिए आया, उसको मैं डिनाइन करूँगा, और मैं आज से नई शुरुआत अपने जीवन की करके सारी गलतियों को इम्प्रूव करके मैं एक और बार ट्राई करूँगा, और एक और बार कोशिश करूँगा, और फिर से मैं कोशिश करूँगा। और दोस्तों, वहाँ पे उन्होंने फिर से कोशिश किया, और वो कोशिश इतनी कामयाब रही कि हम सब लोग जानते हैं कि विमल कंपनी कहाँ तक पहुँच गई, और उसी कंपनी के पैसों के साथ में इम्प्रूव करके, सक्सेस लेकर के उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे नंबर वन और बड़ी कंपनी है, ऐसी कंपनी की स्थापना की। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में था। 2010 में जब मेरे जीवन में क्राइसिस आए, तब ये इंसिडेंट्स मेरे दिमाग ने मुझे याद करवाया और बताया कि अगर मैं ये प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा तो मैं तो सब कुछ बंद कर दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। चाहे अभी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत सारे क्राइसिस हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। तो मुझे कर्म तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है, तो क्यों ना मैं
मैंने जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज है और जिसके पास मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वही काम कंटिन्यू करूँ। तो एक और बार कोशिश करते हैं और एक और बार सारी गलतियों को इम्प्रूव करते हैं, और इम्प्रूव करने के इस बार हम फिर से जोर से ताकत लगा करके डबल मेहनत करके हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने 2010 और 11 में ज़बरदस्त मेहनत किया, फिर से कोशिश किया, तो अगेन वो सारे क्राइसिस चले गए और फिर से हम वो फाइट मोड में से फ्लाइंग मोड में आ गए और अगेन हमने जे कर्व का प्रोग्रेस किया और आज की डेट में भी हम वो प्रोग्रेस हमारा चालू है। दोस्तों कहना चाहूँगा इसे बोलते हैं एडवर्सिटी कोशेंट, और ये किताबों पढ़ने के साथ में आपकी लाइफ में वो मायने रखता है, आपके जीवन के हर पहलू में वो आपकी हेल्प करेगा, आपका मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, एक ही बात को बहुत सारे तरीकों से आप उसे सोच पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। दैट्स व्हाई किताबें पढ़नी चाहिए। ये बात कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ में ज़रा कमेंट में बताइए, फटाफट फास्ट में रिप्लाई कीजिए दोस्तों मेरी इस बात को। एडवर्सिटी कोशेंट हमारा इम्प्रूव होता है, इसके लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़ फास्ट, यस नो, ओके सभी लोग यस बता रहे हैं, ओके गुड गुड। दुष्यंत जी, जिग्नेश, कृष्णा, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइव पार्टी किया है, थैंक यू वेरी मच। आप इस पोस्ट ये प्रोग्राम पूरा लाइव सेशन पूरा होने के बाद इसको यूट्यूब पे रखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी रखेंगे और फेसबुक पे, उसको भी आप ज़रूर अपने टाइमलाइन पे पोस्ट कीजिएगा, टैग कीजिएगा, स्टेटस पे रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। इज़दाद पटेल बता रहे हैं जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों और क्या फ़ायदा हो सकता है, और हमारी किताबें पढ़ने के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये हो सकता है कि हमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के साथ में लड़ने की हिम्मत मिलती है और मल्टी डायमेंशनल सोचते हम। और हमें दूसरा फ़ायदा ये है कि वर्ल्ड में दूसरों के साथ में हम बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। दैट्स वाई सबसे एक और इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, किताबें पढ़ने से न्यू आइडिया जनरेशन होता है, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, आपको पता चलता है कि महान लोगों ने अपने जीवन में कैसी कैसी प्रकार की डिफरेंट टाइप की सोच आई थी। ये मल्टी डायमेंशनल व्यू होने के कारण आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके जीवन में भी शायद ऐसा कोई आइडिया जनरेट होगा, जैसे बोलते हैं ना एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। लेकिन दोस्तों हमारी ट्रेनिंग में तो हमारे पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस ये कहता है एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, लेकिन हमारा यही वर्कशॉप जो आपके आइडिया को और आपके विचार को भी बदल देता है, यानी नेगेटिव में से पॉजिटिव करता है, और हमारे वर्कशॉप में आपकी क्रिएटिविटी भी 10 times बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाती है। और दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत कम लोग जानते होंगे, आप इसका गूगल में सर्च कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से, सिर्फ किताबें, एक किताब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी किताबें पढ़ने से, सिर्फ किताबें पढ़ने से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मैं पर्सनली भी जानता हूं और आप सब लोग उसको गूगल पे ढूंढ सकते हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिसका नाम है बुकलेट अमृत, द बुकलेट गाय उसका नाम दिया है लोगों ने, नाम है मिस्टर अमृत। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द बुकलेट गाय नाम है मिस्टर अमृत, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। उन्होंने शुरुआत की थी, एक एक किताब वो पढ़ता था और उसकी समरी बना करके लोगों के साथ में व्हाट्सएप पे उसका ऑडियो शेयर करता था। रहते 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 बहुत सारी किताब उन्होंने पढ़ी और उसकी समरी इतनी बेस्ट रही, रहते 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 कुछ टाइम के अंदर वो इतने फेमस हो चुके कि आज वो IIM जैसी कॉलेज में लेक्चर देने जाते हैं, और अभी तक में उन्होंने हजारों किताबें लिखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, समरी का उसका ऑडियो वीडियो YouTube पे गूगल पे उपलब्ध है, और इतने फेमस हो चुके हैं कि एक सेलिब्रिटी एज अ सेलिब्रिटी उसको लोग ट्रीट कर रहे हैं, उसका नाम लोगों ने दिया है द बुकलेट गाय अमृत। जरा सोचिए, सिर्फ किताबें
पढ़कर भी इस दुनिया में अपना कैरियर बनाया जा सकता है, वर्ल्ड में फेमस बन सकते हैं आप, लोग आपके फैन बन सकते हैं, लोग आपके फॉलोअर बन सकते हैं। तो हमें तो जीवन में दोस्तों हज़ारों किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ये 8 दिन की जो हमारी चैलेंज है उसको आप चैलेंज एक्सेप्ट करके कोई मिनिमम 2 किताब मिनिमम 100 पेज की आपको पढ़नी है, और उसमें हर रोज़ 5 मिनट किताब को उल्टा करके पढ़ना है। ये हमारा मेन चैलेंज है, ये हमारा टास्क है। तो इसीलिए दोस्तों हमें किताब पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा रिसेंट में, कि मैं भी अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द 48 लॉ ऑफ पावर। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब को मैं भी ये दिनों में पूरी करने वाला हूँ, बड़ी है थोड़ी लेकिन पूरी करने वाला हूँ, और लास्ट में इसकी समरी मैं इस लाइव सेशन में आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ये किताबें हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आज की समरी में बता देता हूँ, आज का हमारा टास्क है 2 किताबें पढ़नी है। एक ऐसी किताब सेलेक्ट करनी है जो आपको पसंद आए, और एक ऐसी किताब पसंद करनी है जो आपको पसंद नहीं है। क्यों, उसका रीज़न आगे के हम सेशन में लेंगे। और कोई भी एक किताब को मिनिमम 5 से 10 मिनट उल्टी करके पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं होगा, आपकी स्पीड वैसे की वैसी रहेगी। कल इसके ऊपर ज़रूर आप मुझे रिव्यू देंगे कि सर बहुत मज़ा आया, आपका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। आप ये कोशिश करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसके ऊपर हम लेंगे। और ये लाइव सेशन पूरा होने के बाद हम इसको पोस्ट करेंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन में आए ऐसी आप कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आज का टॉपिक साथ में हमने ये भी रखा था, बुक को फास्ट में रीड कैसे करें, समराइज कैसे करें। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ये सोचा कि वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये जानना और सीखना ज़रूरी है कि किताबें हम क्यों पढ़ें। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा, ये नहीं कहूँगा, तो अगेन वही वाली बात हो जाएगी जो सालों से आप सुनते आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बच्चे किताबें पढ़ना चाहिए, किताबें हमारी अच्छी दोस्त होती है, लेकिन क्यों, उसका रीज़न वाई। अगर जिस चीज़ में कोई काम करने में हमारा वाई क्लियर नहीं होता तो वो काम करने का मन ही नहीं होता। तो आज मैंने आपका वाई क्लियर किया है, इसके पार्ट 2 में मैं प्रॉमिस देता हूँ आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि उसको फास्ट रीड कैसे करेंगे, समराइज कैसे करेंगे। वो सीखने के लिए हमें 7 से 8 मिनट चाहिए जो हम कल के सेशन में लेंगे। कल के सेशन में यानी कल हमारा तीसरा दिन रहेगा, कल के सेशन में इसका हम समरी करेंगे, फास्ट रीड और समराइज कैसे करें वो पहली 8-10 मिनट में सीखेंगे, और उसके बाद हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ ये वाला टॉपिक हम कल लेंगे। दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैक्सिमम लोग इस लाइव में जुड़ें ऐसी आप कोशिश कीजिएगा, वॉच पार्टी क्रिएट कीजिएगा, अपने स्टेटस में शेयर कीजिएगा, और इसके बाद मेरी पोस्ट आएगी आपको हमारे पेज और इंस्टाग्राम पर, उसको भी शेयर कीजिएगा। और आप सब लोगों को डे 2 का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे ऐसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद जो चैलेंज पूरा कर रहा है। हाँ, पहला डे 1 वाला चैलेंज कंटिन्यू ही रखना है, मॉर्निंग सुबह 6 से 6:30 के बीच में आपको उठना है, डेली डे का प्लान क्रिएट करना है, और उसमें एक चैलेंज आज से ऐड करना है, किताब मिनिमम 2 पढ़नी है, 5 मिनट उल्की करके, एक किताब जो आपकी कैटेगरी पसंद वाली है और एक किताब जो आपकी कैटेगरी पसंद वाली नहीं है। तो दोस्तों आज का ये सेशन हम यहाँ पे पूरा करते हैं। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा फटाफट जरा आप मुझे कॉमेंट में रिव्यू दे दीजिए। हाउ यू फील, कल कितने बजे लाइव है, कल 6:30 बजे लाइव है। इंस्टा के लोग जो सुन रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट कीजिए फास्ट। और कोई टॉपिक अगर आप मेरे पास से जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट के लाइव सेशन में हम उसको ज़रूर लेंगे। तो आप मुझे अभी या बाद में कमेंट कर सकते हैं, आप कौन से टॉपिक के ऊपर या आपकी लाइफ का कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू कृष्णा, कल 6:30 बजे लाइव है। आप अपना कोई टॉपिक या आप अपना कोई क्वेश्चन अपने बिजनेस का, अपने कैरियर का, लाइफ का, रिलेशनशिप, दोस्तों पिछले लगातार
दो साल से हमने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें उसका भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और अभी तक हजारों लोगों को हम सिखा चुके हैं। उसका भी एक बेनिफिट एक सेशन में मैं आपको देना चाहूँगा कि आप अपने आप को या अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं या अपना करियर भी इसमें बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। 21वीं सदी का लेटेस्ट डिमांड है ये। थैंक यू जिग्नेश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ज़रूर बताएंगे उसके ऊपर। थैंक यू लोकेश। ओके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या कमेंट या मैसेज भेज सकते हैं आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं अगले वीडियोस और अगले लाइव सेशंस, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल, इसका भी हम एक लाइव सेशन ज़रूर रखेंगे। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के कारण, आप ही लोगों के प्यार के कारण हम ये लाइव सीरीज शुरू किए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आज के लाइव सेशन में जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और ये पोस्ट होने के बाद मैं भी देखने वाले हैं, ये सभी लोगों को कि आप इसको शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के पास, कुछ उन जानकारी पॉजिटिव सभी लोगों के पास पहुँचे। और परिवार के साथ इस लाइव सेशन में आप बैठिएगा, वॉच पार्टी क्रिएट कीजिएगा और आप सभी लोग इस लाइव सेशन में आए, इसके बदल में आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।